Seem to be here and you're watching Bachelor Academy by Wasim. तो बेसिकली क्या क्या ऐसी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमारे फ्यूचर इंडस्ट्री इंजीनियर्स को या टेक्स इंजीनियर्स को आगे फेस करनी होती है अपने जॉब ड्यूरेशन में, तो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली फॉर गारमेंट इंडस्ट्री। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एंड एक एक पॉइंट को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। बट इसमें आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री इंजीनियर के लिए या टेक्स इंजीनियर के लिए ज़रूरी होती हैं जब वो जॉब शुरू करता है अपनी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम, देन नॉलेज ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ स्विंग मशीन्स, ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं टेक्स इंडस्ट्री के अंदर। देन टाइम स्टडी, जो बेसिकली हर इंडस्ट्री इंजीनियर को पता होना चाहिए कि टाइम एंड मोशन किस तरह करनी है, उसे क्या स्टेप्स होते हैं। देन मेथड स्टडी क्या होती है, ऑपरेशन ब्रेक डाउन एंड सैम कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, लाइन बैलेंसिंग क्या होती है एंड उसको करते किस तरह हैं, कैपेसिटी स्टडी, प्रिपरेशन ऑफ ओबी, सैम को कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑपरेशन बुलेटिन बनाना आना चाहिए, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्किल है जो कि हर इंडस्ट्री इंजीनियर को सीखनी चाहिए। प्रोडक्शन टारगेट कैलकुलेशन, WIP कंट्रोल, आप किस तरह वर्क इन प्रोसेस को कम करते हैं, ये बेसिकली एक वेस्ट है। जब हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो WIP को कम करना हर कंपनी का टारगेट होता है। प्रोडक्शन लाइंस फॉलोअप, कि आप किस तरह फॉलोअप करते हैं अपनी लाइंस को। कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ गारमेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह अपनी गारमेंट की कॉस्ट दे रहे होते हैं, इसी से आप अपनी कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम करते हैं। डिवेलपिंग एंड मेंटेनिंग द स्किल मैट्रिक्स, यानी कि आपको वर्कर का स्किल मैट्रिक्स बनाना आता हो, आपको पता हो कि कौन सा वर्कर क्लास ए है, कौन सी की बी है, कौन सी की सी है। एंड वर्क एड्स एंड गाइड्स एंड अटैचमेंट, आपको पता हो कि आपकी मशीन पर कौन कौन से गाइड्स यूज़ होंगे, कौन सी अटैचमेंट यूज़ होगी ताकि आप साइकिल टाइम को कम कर सको ऑपरेशन का। एंड उसके अलावा कि आप एज ए इंडस्ट्री इंजीनियर क्या आप ऑफर कर सकते हो इंडस्ट्री को, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल, ये बेसिकली यही है कि आप किस तरह अपनी चीज़ों को प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, रिव्यू करते हो एंड आइडेंटिफाई करते हो। तो एंड जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो एज एन आई इंजीनियर टू इंडस्ट्री। बेसिकली आपको अपने आप को सेल करना होता है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। जो भी इंटरव्यूअर है या जो कंपनी है या जो फर्म है वो सीख करती है आपकी स्किल्स को कि आप क्या सेल करते हो। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो एज एन आई इंजीनियर मैं भी सेल करता हूँ और आपको भी सेल करने चाहिए। प्रोसेस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि आप ये कहो कि भाई हमें हम आपका प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन टूल्स एंड प्रोसीजर्स, देन डिज़ाइन ऑफ सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा यूज़ होता है बेसिकली फॉर डिफेक्ट कंट्रोल, एंड आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, कॉस्ट को कम से कम करें। देन यू हैव अ ड्राफ्ट एंड डिज़ाइन लेआउट फॉर इक्विपमेंट मटीरियल्स, ताकि आप अपने वर्क प्लेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए और कम से कम आपको चीज़ें, यानी कि आप 5S की तरफ जाएं, यानी कि टाइम कम से कम लगे चीज़ों को ढूंढने में, लोकेट करने में और आसानी हो। देन आप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएं हर चीज़ के। एंड एक इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे डेटा एनालाइज करना आता हो, यानी कि उसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स पता हो, उसे सॉफ्टवेयर्स पता हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो मिनीटैब यूज़ होता है एंड ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप डेटा को एनालाइज करते हो आपको पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। देन मेथड इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप इसको भी सेल आउट कर सकते हैं कि आप अपनी कंपनी की किस तरह प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। वेल, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि इसमें मैं आपको एक इंट्रो दूंगा जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। फर्स्ट थी नॉलेज अबाउट द प्रोडक्शन सिस्टम। अच्छा, इसमें भी जो है मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और इन तमाम पॉइंट्स को मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा
एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफली एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो नए इंडस्ट्री इंजीनियर्स उन्हें नहीं पता होता। तो आपके साथ मैं ब्रीफली इसको शेयर करूंगा, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हर एक पॉइंट पर, ताकि मैं उसे डीपली एक्सप्लेन करूँ। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स की। तो फर्स्ट वन है मेक थ्रू सिस्टम, देन है प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, सेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम एंड वन पीस फ्लो सिस्टम। तो कंपनीज नॉर्मली ये इनमें से कोई एक सिस्टम फॉलो कर रही होती है, कुछ जो है प्रोग्रेसिव पे काम कर रही है, कुछ जो है मेक थ्रू पे काम कर रही है। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सिस्टम फॉलो करती है अपनी नीड के हिसाब से। तो एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी कौन सा सिस्टम फॉलो करती है। एंड हमारे पास फीट ऑफ आर्म स्विंग मशीन हो रही होती है, यानी कि हम फीट ऑफ आर्म बेसिकली डेनिम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर ज्वाइनिंग दी टू पार्ट्स ऑफ फैब्रिक। एंड कंसाई की मशीन यूज़ हो रही होती है हमारे पास। कंसाई की मशीन का एक स्पेशल मशीन होती है, जिसमें फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि हम उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ नीडल्स को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको मशीन के बारे में पता है तो आपको स्टिच टाइप्स के बारे में ही पता होना चाहिए। इस स्लाइड में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स नज़र आ रही होंगी, जैसे कि सिंगल नीडल की मशीन है एंड फ्लैट लॉक की मशीन है। फ्लैट लॉक की मशीन जेनेसिस बनाती है, एंड ओवरलॉक की मशीन भी जेनेसिस बना रही होती है। देन बाटे की मशीन है, सिंगल नीडल की मशीन लॉक स्टिच बना रही होती है। एंड काज मशीन है, कैंसाई मशीन है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि चेन स्टिच एंड लॉक स्टिच, बेसिकली बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स हैं या इंडस्ट्री इंजीनियर्स हैं, उन्हें इंडस्ट्री में आने के बाद पता चलता है कि चेन स्टिच क्या होती है, लॉक स्टिच क्या होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये अपनी नॉलेज जो मैंने सीखी है इस अपने 2-3 साल के एक्सपीरियंस में, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टिच टाइप बेसिकली होती क्या है? स्टिच टाइप बेसिकली ये होती है कि जब आप किसी फैब्रिक को कन्वर्ट कर रहे होते हो गारमेंट में, तो आपको फैब्रिक को ज्वाइन करने के लिए उसको सीना पड़ता है। सही है, सीना पड़ता है उसे, और आप सीधे किस तरह से आप उसे किसी भी मशीन के थ्रू स्टिच कर रहे होते हो। उसमें भी टाइप्स होती हैं, अगर आप एक सुई यूज़ करोगे, एक नीडल यूज़ करोगे तो वो एक स्टिच बनाएगी, दो यूज़ करोगे तो दो बनाएगी। एंड उसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक लूपर होता है, बॉबिन होता है। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू सीव फैब्रिक इन टू गारमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिच फॉर्मेशन इज़ यूज। बिल्कुल सही है, यानी कि जब हमें गारमेंट को सीव करना होता है या सीना होता है, तो हम डिफरेंट टाइप के स्टिचेस यूज़ कर रहे होते हैं। स्टिच का जो बेसिक पर्पज़ होता है वो होता है लूप बनाना, यानी कि आप मशीन की नीडल से लूप फॉर्म्स कर रहे होते हो। अब लूप किस तरह बन रहे होते हैं? लूप आपके बन रहे होते हैं नीडल के थ्रू, एंड लूप बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं लूपर एंड बॉबिन। बॉबिन जो है वो मोस्टली सिंगल नीडल की मशीन में यूज़ हो रहा होता है, एंड लूपर जो है वो आपका ओवरलॉक की मशीनों में यूज़ हो रहा होता है। लूपर यूज़ होता है चेन बनाने के लिए। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें शायद आपको समझ आ जाए। लॉक स्टिच की जो मशीन है बेसिकली, उसमें ऊपर तो आप अगर आप उसको देखोगे, टॉप व्यू में देखोगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही होंगी आपको दोनों ही स्टिचेस, ओवरलॉक की भी एंड सिंगल नीडल की भी, यानी कि लॉक स्टिच की भी। लेकिन जो उसकी बैक साइड होती है, बैक साइड ऑफ द व्यू होता है, उसमें आपको ओवरलॉक में चेन बनती हुई नज़र आ रही होती है। यानी कि अगर आप उस स्टिच को खोलोगे तो वो बिल्कुल चेन की सूरत में खुलती हुई नज़र आ जाएगी आपको। लेकिन जो लॉक स्टिच होती है आपकी, उसमें लॉक बनता है, यानी कि आपको एक एक सिलाई अपने हाथों से खोल के निकालनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली इनका एक डिफरेंस होता है, इसमें आपको डायग्राम में भी नज़र आ सकता है अगर आप सर्च करोगे नेट के ऊपर कि लॉक स्टिच का मैकेनिज्म क्या है एंड लूपर का मैकेनिज्म क्या है, बॉबिन का मैकेनिज्म क्या है, तो वो आपको इमेज में ही बता देगा किस तरह वर्क कर रही होती है मशीन्स। देन टाइम स्टडी, हर इंडस्ट्री इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि टाइम स्टडी किस तरह कंडक्ट करनी है एंड टाइम स्टडी क्यों कंडक्ट करनी है। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक टास्क होता है, किसी भी स्पेसिफिक टास्क के ऑपरेशन को मेजर करने के लिए आप टाइम स्टडी कर रहे होते हो। देन टाइम स्टडी से आप डिफरेंट रेट ऑफ परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हो ऑपरेटर की, यानी कि ऑपरेटर ने कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थ्रू आउट द डे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज़ हो रहे होते हैं टाइम स्टडी के लिए, स्टॉप वॉच। टाइम स्टडी का फॉर्मेट होता है एक, आपको पेन या पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है एंड आपको उस ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके साथ एक टाइम स्टडी की शीट मैंने शेयर की है, इसमें आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो सिंगल नीडल की मशीन है, अटैचमेंट नहीं लगी हुई, एंड प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा था इसमें, फैब्रिक कौन सा था, शीट नंबर क्या है, ऑपरेशन क्या है, कॉलर रन स्टिच यानी कि कॉलर ज्वाइन हो रहा होगा आपका, एंड कॉलर रन स्टिच दूसरा ऑपरेशन होता है सॉरी, एंड ऑपरेशन के इन्होंने फिर एलिमेंट का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, यानी कि उन्होंने उसको पिक किया,
देन उन्होंने स्टिच, फर्स्ट स्टिच लगाई, देन सेकंड स्टिच लगाई, देन थर्ड, देन क्लोज एंड डिस्पोज कर दिया। इसकी इन्होंने 5 साइकिल रीडिंग्स ली हुई हैं। देन आपको ये पता होना चाहिए कि साइकिल रेटिंग क्या होती है। साइकिल रेटिंग और टाइम स्टडी के अंदर साइकिल रेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली हम साइकिल रेटिंग ये कह रहे होते हैं कि जब ऑपरेटर एक पीस को पिक करता है एंड उसे पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर कर वापस डिस्पोज कर देता है, तो इस पूरे ऑपरेशन को हम कह रहे होते हैं साइकिल रेटिंग। साइकिल रेटिंग के अंदर भी टाइम कैलकुलेट करना एक फन है। तो टाइम स्टडी के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आप सबसे पहले अपना इक्विपमेंट्स ऑपरेशन सेलेक्ट करते हो, उस ऑपरेशन को आप पहले ऑब्जर्व करते हो क्या रहा है। उसके बाद आप जाते हो, आप उसका टाइम मेजर करते हो, एंड टाइम जो है वो सेकंड्स में होना चाहिए। 5 साइकिल आप उसे कंप्लीट करो अपने टाइम को। देन अगर आप कोई ना, अच्छा एक इसमें एक चीज़ होती है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है उस ऑपरेशन के अंदर तो आप उसको स्किप कर देते हो या बाईपास कर देते हो। जैसे कि आपने 5 रीडिंग्स नोट की, हर रीडिंग जो है वो 5-6 5-6 सेकंड आ रही थी, बट एक रीडिंग जो है आपकी 12 आ गई या 15 आ गई, तो आप उसे बाईपास कर दोगे, आप उसे कंसिडर नहीं करोगे, उसे हम आउटलायर कह रहे होते हैं। उसके बाद आप जो है उसके एवरेज टाइम कैलकुलेट करोगे, देन आप एवरेज टाइम को कन्वर्ट करोगे नॉर्मल टाइम में, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे उसके परफॉर्मेंस रेटिंग से। अब परफॉर्मेंस रेटिंग बेसिकली ये होती है कि ऑपरेटर किस पेस से काम कर रहा है जब आपने उसे ऑब्जर्व किया। यानी कि हो सकता है कि वो 110% काम कर रहे हो या 80% पे काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि वो एक, अगर एक ऑपरेशन है उसका जो टाइम है वो 5 सेकेंड है, सही। अगर ऑपरेटर का हाथ या उसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है तो हो सकता है जब आप उसे ऑब्जर्व करने गए हो वो 3 सेकेंड में उसे लगा दे ऑपरेशन को, और हो सकता है कि उस ऑपरेशन पे कोई स्लो ऑपरेटर बैठा हो तो वो उसे 8 सेकंड में लगा दे। अब ये 3 अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं, एक जो है वो स्टैंडर्ड है, एक जो है जब आपने आपने उसे ऑब्जर्व किया 8 या 10 सेकंड आ रहा था, जब आपने किसी और को ऑब्जर्व किया तो 2 या 3 सेकंड आ रहा था। तो इसकी वजह से हम परफॉर्मेंस रेटिंग सेट कर लेते हैं एंड उसको मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि ये वाला इफेक्ट निगलेक्ट हो जाए। देन आप स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हो थ्रू, आप उसमें अलाउंसेज ऐड कर देते हो। ये उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने का। सॉरी, नॉर्मल टाइम को आप डिवाइड कर देते हो 1 माइनस अलाउंसेस, तो आपका आ जाता है स्टैंडर्ड टाइम। देन है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी भी एक टूल है, या आप इसे कह सकते हैं कि एक पूरी पूरा सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि आप मेथड स्टडी किस तरह कंडक्ट कर सकते हो। मेथड स्टडी के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वर्क मेजरमेंट जिसमें आपका टाइम एंड मोशन आ रही होती है, एंड एक होता है आपका मेथड स्टडी यानी कि आपका वर्क मेथड जो है, यानी कि एक काम हो रहा था अब उस काम को और किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हो। दिस इज मेथड स्टडी सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इज अ मोर सिस्टमैटिक अप्रोच टू द जॉब डिजाइन एंड अ सेट ऑफ टेक्निक्स। इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। यानी कि आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे होते हो करंट सिस्टम को, अभी जो काम हो रहा है आप उसे रिकॉर्ड करोगे या अभी हो क्या रहा है, उसके बाद आप उस पर एनालाइज करोगे उस पर क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और उसे आप किस तरह से फिर इम्प्रूव करोगे, और इम्प्रूव करने के बाद आप उसे सस्टेन करोगे। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। आप सबसे पहले वर्क को सिलेक्ट करोगे किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम ट्रॉली यूज़ कर रहे होते हैं फैब्रिक की मूवमेंट के लिए, तो आप कह रहे हो कि हम इस प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, हम इस वर्क को इम्प्रूव करेंगे। तो आपने वर्क सेलेक्ट कर लिया, अब आप उसके एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करोगे, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें, इंफॉर्मेशन क्या क्या उसमें हो रहा था, काम क्या क्या हो रहा था। यानी कि वर्कर आता है, वो फैब्रिक को उठाता है और ट्रॉली में ऐसे ही फेंक देता है, आपने ये नोटिस कर लिया, सही है, ये आपने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। देन आप उसको एग्जामिन करोगे कि क्या ऐसा होना चाहिए था, और आप न्यू प्रोसेस को डेवलप करोगे। आप पहले एनालाइज कर रहे हो कि उसने उठाया फैब्रिक को ट्रॉली में रख दिया, तो अब फैब्रिक जो था वो खुला हुआ था, उस पर कोई भी डिफेक्ट लग सकती है, मिट्टी लग सकती है, वो ख़राब हो सकता है, तो ऐसे आपका लॉस होगा बेसिकली। तो आप क्या करोगे, आप कह रहे हो कि मैं नया एक प्रोसेस डेवलप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं फैब्रिक को पॉलीथीन बैग्स में पहले फिल करूँगा, उसके बाद मैं उसे ट्रॉली में रखूँगा। या अब आपने नया मेथड इंस्टॉल कर दिया, देन आप इसको सस्टेन करोगे, इसे मेंटेन करोगे। देन हमारे पास आता है ऑपरेशनल ब्रेकडाउन।
अच्छा देखो, गारमेंट्स जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू गुजर के बनता है, ठीक है। तो अब इन ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करना भी एक जॉब है इंडस्ट्रियल इंजीनियर की, यानी कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर का एक काम है कि जब वो सैम कैलकुलेट कर रहा हो तो उसे ऑपरेशनल ब्रेकडाउन का पता हो, यानी कि ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हुए हैं, शोल्डर अटैच हो रहा है, स्लीव अटैच हो रही है, एंड किस मशीन से अटैच हो रही है, किस स्टिच के थ्रू अटैच हो रही है, एंड इसमें द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑपरेशन लिस्ट इन अ सीक्वेंस कॉल्ड ऑपरेशन ब्रेकडाउन ऑब्वियसली, एंड ऑपरेशन ब्रेकडाउन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन। अब इसमें वो यही बता रहे हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स होती हैं कि स्विंग ऑपरेशन कितने हैं, नॉन स्विंग ऑपरेशन कितने हैं। अब इसमें नॉन स्विंग ऑपरेशन का मतलब ये है कि जो हैंडलिंग के काम है या जो नॉन ऑपरेटर यानी कि जो मशीन के ऊपर ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ, जो हेल्पर जो काम कर रहा है उसका भी सैम इसमें इंक्लूड हो रहा होता है। और एक होता है हेल्पर सैम, एक होता है ऑपरेटर सैम। उन दोनों को जब आप कंपाइल करते थे तो आपके पास टोटल सैम ऑफ द गारमेंट बन जाता है, सही है। एंड इसमें ये भी आता है कि नेम ऑफ द मशीन्स टू यूज़ फॉर डूइंग दिस स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी कि किस कौन कौन सी मशीन कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है एंड कितना टाइम लग रहा है उन मशीन्स को ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। जैसे कि आप देख सकते हैं रेगलैंड स्लीव अटैच एंड मशीन कितनी कौन सी थी, ओवरलॉक की मशीन थी, कितनी मशीनें लगी हुई, एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन का SMV कितना है, 0.765 मिनट्स, सब हमेशा मिनट्स में होता। तो जब हम कंप्लीट गारमेंट का टाइम निकालते हैं उसे हम सैम कहते हैं, जब हम किसी मशीन या स्पेसिफिक ऑपरेशन का टाइम निकालते हैं तो हम उसे SMV कह रहे होते हैं। ऑपरेशन बुलेटिन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशन ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही है। एंड ऑपरेशन बुलेटिन इंक्लूड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द ऑपरेशन ब्रेकडाउन। ऑपरेशन बुलेटिन बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम गारमेंट का ऑपरेशन ब्रेकडाउन करते हैं। अब ऑपरेशन ब्रेकडाउन जो है ना, इसमें बेसिकली अब अगर आप ऑपरेशन की डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, यानी कि आपने सिर्फ ऑपरेशन ब्रेकडाउन में आप सिर्फ ऑपरेशन नोट करते हो, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है। अब ऑपरेशन बुलेटिन के अंदर आप उस तमाम इन्फॉर्मेशन को फीड करते हो, यानी कि ऑपरेशन बुलेटिन में आप मशीन भी आ जाती है, वर्कर्स भी आ जाते हैं, सैम आ जाता है, टारगेट कितना देना है ये भी आ जाता है, लाइन कौन सी है ये भी आ जाता है। तो उसके ऊपर मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा। देन सैम कैलकुलेशन, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं वॉच अकेडमी के ऊपर, एंड काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देन जो है हमारे पास अगला पॉइंट है वो है लाइन बैलेंसिंग का। एज एन इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइन बैलेंस किस तरह करनी है, स्पेशली फॉर आई इंजीनियर्स, क्योंकि लाइन के अंदर डेली के ये मसले मसाइल होते हैं कि इस मशीन के ऊपर बॉटल नेक आ गया, WIP को किस तरह कंट्रोल करना है, WIP को या वेस्ट को, वेस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस जो है उसको कंट्रोल करने के जो बेस्ट तरीका है वो है लाइन को बैलेंस करना प्रॉपरली। एंड इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज इन्वॉल्व इन मेकिंग अ गारमेंट, यानी कि अब लाइन के अंदर जो है बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी ये एक गारमेंट की असेंबली समझ लिया, जिस तरह कार की असेंबली होती है ना, डिफरेंट पार्ट्स असेंबल हो रहे होते हैं, इसी तरह किसी भी गारमेंट को बनाने के लिए उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है। तो लाइन जो है आपकी असेंबली प्रोडक्शन लाइन जो है उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, हर मशीन के ऊपर एक अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या हो सकता है एक ही ऑपरेशन की दो या तीन मशीनें लगी हुई हों प्रोडक्शन को निकालने के लिए। तो ये ऑपरेशन होते चले जाते हैं और आपकी एक लाइन बन जाती है पूरी, और उससे आप एक कंप्लीट गारमेंट को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, यानी कि जो फर्स्ट वाला आपका स्टेशन है यानी लाइन का इनपुट जो है इसमें डिफरेंट पार्ट्स में आ रहे होते हैं आपके, यानी कि एक गारमेंट जो है वो बिल्कुल अलग अलग खुला हुआ आता है आपके पास, फ्रंट अलग है उसका, बैक अलग है उसकी, स्लीव्स अलग हैं, कॉलर अलग है उसका, लोगोज अलग हैं उसके, उसकी एक्सेसरीज अलग हैं, जिप अलग है, हुड अलग है, ये सब चीज़ें बिल्कुल खुला हुआ आता है आपके पास ये गारमेंट। अब आप उसे जोड़ना शुरू करते हो, असेंबली करना शुरू करते हो उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन के थ्रू। इन अ बल्क गारमेंट ऑपरेशन अ टीम वर्क इन एन असेंबली लाइन एंड ईच ऑपरेटर डू वन ऑपरेशन एंड गिव इट टू द अदर ऑपरेटर टू डू नेक्स्ट ऑपरेशन। इसमें यही लिखा हुआ है कि बेसिकली आप एक काम करते हो, उस काम को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आगे उसे फॉरवर्ड कर देते हो ताकि उसके बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, यानी कि एक टीम काम करी होती है। बजाय से कि अगर मैं सारा काम खुद कर लूँगा तो मुझे 20 मिनट लगेंगे एक गारमेंट को बनाने में, अगर मैं सारे ऑपरेशन खुद ही परफॉर्म कर लूँगा। ये था हमारा ट्रेडिशनल असेंबली लाइंस, यानी कि उसमें हर ऑपरेटर अपना काम खुद ही परफॉर्म करता था। कंपनीज जो नई फिलॉसफी लेके आए थे जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं TPS, उसमें ये था कि उन्होंने असेंबली लाइन बैलेंसिंग को मॉडिफाई किया था
जिसमें हर ऑपरेटर को सिर्फ अपना काम परफॉर्म करना था। देन जो है वो पूरी एक लाइन हमारी बनती थी जिसमें हर ऑपरेटर सिर्फ अपना काम परफॉर्म कर रहा है, और उसमें जो फिर हमारा जो टाइम आता था वो 4 मिनट, 3 मिनट, यानी कि अब 20 मिनट अगर एक गारमेंट को बनाने में लग रहे थे तो वो कम होकर 3 मिनट पर आ गया। तो ये फ़ायदा होता है असेंबली लाइन्स का बेसिकली। अब होता क्या है, लाइन बैलेंसिंग के अंदर बॉटल नेक कहाँ आना शुरू होता है, ये स्टार आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉटल नेक सिचुएशन कहाँ क्रिएट हो रही है। अब ऐसा हो रहा है कि आप फर्स्ट कर रहे हैं सेशन नंबर 7, 5 एंड 4, सही है। अब 5 वाले ने अपना काम कर लिया 2 मिनट में, ठीक है, एंड 7 वाले को लग रहे हैं 10 मिनट, तो 8 वाला जो है ना वो वेट करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका सबसे ज़्यादा जो टाइम लग रहा है वो 7th वर्क सेशन के ऊपर लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 7th आपका बॉटल नेक है। अब आप जाके देखेंगे कि भाई ये 7 के ऊपर मसला क्या था। वर्कर की स्किल का मसला है, उसके पास WIP बहुत है, जगह नहीं है, वो टूल ढूंढ रहा है, शायद मसला क्या है उसके साथ, तो या उसकी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को आप जाके एनालाइज करेंगे एज एन इंजीनियर, एंड उसको आप रिजॉल्व करेंगे। या ये भी कर सकते हैं कि आप उस मशीन के ऊपर या उस ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ मशीन्स को यूज़ कर लें ताकि उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन मुश्किल है, बहुत मुश्किल ऑपरेशन, तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बॉटल नेक का यही एक रीज़न होता है। एंड अब आपको इस बॉटल नेक को रिमूव करना है ताकि आप WIP कम कर सकें, अपनी लाइन से लाइन का जो टारगेट है उसे मीट कर सकें। यानी कि अगर आपकी लाइन का टारगेट, बेसिकली बॉटल नेक ऑपरेशन जो है ना वो लाइन लाइन के टारगेट को डिफाइन कर रहा होता है लाइन बैलेंसिंग के अंदर। इसको मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा किस तरह बैलेंस करते हैं, बट ये एक ओवरव्यू है। इसमें यही सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बॉटल नेक ऑपरेशन जो है वो लाइन का टारगेट डिफाइन कर रहा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लाइन, आपके ऑपरेशंस का बॉटल नेक कौन सा है ताकि आप उसे रिमूव कर सको। एंड एरोज जो है वो बेसिकली ये शो कर रहे हैं कि आपकी लाइन की प्रेसिडेंस क्या फॉलो हो रही है, यानी कि 1 से 2 पे चला गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 5 पे भी गया, एंड 4 पे भी गया, यानी कि 3 एंड 4 सेम ऑपरेशन थे। अच्छा, अब आप लाइन बैलेंसिंग के लिए आप सिमुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड एक और चीज़ इसमें लिखी हुई है कि कैपेसिटी स्टडी, यानी कि जो लाइन के जो बॉटल नेक ऑपरेशन की जो कैपेसिटी होगी वही आपकी लाइन की कैपेसिटी होगी, वो जो मैंने आपको बताया था, यानी कि अगर आपके बॉटल नेक का जो टारगेट आ रहा है या जो उसकी प्रोडक्शन है वो अगर 500 पीसेज है तो आपकी लाइन 500 ही निकालेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अब ये चाहे पीछे के ऑपरेटर जो है वो 800 प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सबसे कम जो टारगेट आ रहा है वो आपका बॉटल नेक का है, यानी कि वो 500, वही आप आगे प्रोड्यूस कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैंने शो की है एक सिमुलेशन की, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बॉटल नेक ऑपरेटर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं आपके पास इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने टेक्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, इसके अलावा विटनेस भी यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर नाउ, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी पार्ट 2 में बताऊँगा। थैंक यू, वॉच आवर अकेडमी को सब्सक्राइब करें।